हेलो एवरीवन, वेलकम टू BDS के ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ संजय वर्मा, योर साइंस टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल एंड डूइंग हर स्टडी एट योर हाउसेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ACBS सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट। यू नो दैट all the known substances of the world are classified into following three categories, that is acid, base and salt. I have already taught you about acid and their properties and base also their properties. Now I am going to teach you about salt, okay? That is third substance. You know that salts are prepared by reaction of acid and base. Okay, when acid and bases are react to each other, they form salt. Okay, there are number of ways of preparation of salt, but the most common method of preparation of salt is reaction of acid and base. When acid react with base, they form salt and water. Okay, so you can easily prepare salt with the help of reaction of acid and base. This reaction is also called as neutralization reaction. Okay, dear students, you know that salts are very good conductor or electrolyte of the electricity in aqueous form. Means if salts are in aqueous form, so they conduct electricity very well. Okay, and there are following types of the salt. Beta salt kai prakar ke hote hain, that is you can see here, that is normal salt. ओके, नॉर्मल साल्ट, नेक्स्ट एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट, नेक्स्ट बेसिक साल्ट, नेक्स्ट मिक्स्ड साल्ट, फिफ्थ इज डबल साल्ट, ओके, सिक्स इज कॉम्प्लेक्स साल्ट, ओके। सो साल्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सिक्स कैटेगरीज, दैट इज नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, मिक्स साल्ट, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। ओके, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल साल्ट इज NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड इज अ नॉर्मल साल्ट एंड इट हैज pH ऑफ 7. And for your kind information, that I want to tell you, when strong acid react with strong base, they always form a normal salt. Understood? And next is acidic salt. Okay, you know that ammonium chloride is a acidic salt. Ammonium chloride is a acidic salt. And I also tell you that when strong acid react with big base, they form acidic salt. Okay, in formation of NH4Cl, you can see that there is a ammonium hydroxide react with
हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बिग बेस. दे रिएक्ट टूगेदर एंड फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज बेसिक साल्ट. द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक साल्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. दिस इज ए बेसिक साल्ट एंड डियर स्टूडेंट्स यू नो दैट व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगो रिएक्शन विथ वीक एसिड दे ऑलवेज फॉर्म बेसिक साल्ट. द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज 9 एंड द पीएच ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 6. ओके, इन दैट द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज 9, दैट इज मोर देन 7, सो इट इज बेसिक इन नेचर. एंड द पीएच ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 6, व्हिच इज लेसर देन 7, सो इट इज एसिडिक इन नेचर. एंड द पीएच ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 7, सो इट इज न्यूट्रल और नॉर्मल. ओके, नेक्स्ट इज मिक्स्ड साल्ट. ओके, द एग्जाम्पल इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. दिस इज अ मिक्स साल्ट. ओके, नेक्स्ट इज द एंड एग्जाम्पल ऑफ मिक्स साल्ट इज सोडियम पोटेशियम सल्फेट. सोडियम पोटेशियम सल्फेट इज ऑल्सो मिक्सड साल्ट. ओके, नेक्स्ट इज डबल साल्ट. द्विक लवण. डबल साल्ट इज कंसिस्ट बाई टू डिफरेंट साल्ट. एग्जाम्पल इज फिटकरी एंड फॉर्मूला इज K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O. ओके, दिस इज अ फिटकरी दैट बिलोंग टू डबल साल्ट. केमिकल नेम इज पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट. दिस इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म. ओके, एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स साल्ट. कॉम्प्लेक्स साल्ट दैट इज जटिल लवण. एग्जाम्पल इज पोटेशियम फेरो साइनेट. व्हाट? पोटेशियम फेरो साइनेट. सेकंड. ओके, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स साल्ट. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट साल्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट बेकिंग सोडा. दैट इज ऑल्सो अ साल्ट. दैट इज ऑल्सो साल्ट बिलोंग टू बेसिक साल्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज the chemical formula of baking soda is Na baking soda. Okay, the chemical formula of baking soda is NaHCO3. chemical name is sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बेकिंग सोडा एंड दिस इज अ केमिकल नेम. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन. Dear students, I want to tell you that
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके मीन्स व्हेन सोडियम क्लोराइड एक्वस सोडियम क्लोराइड व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अंडरगो रिएक्शन विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे फॉर्म बेकिंग सोडा एंड रिलीज अमोनियम क्लोराइड. ओके दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा. ओके आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. ओके हमें आशा है कि आप सब समझ गए होंगे कि जब कभी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया और CO2 के साथ क्रिया करता है दे फॉर्म बेकिंग सोडा एंड रिलीज अमोनियम क्लोराइड साल्ट. ओके नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा. यू नो दैट स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा आर वाइड क्रिस्टल हुच आर वाटर सॉल्युबल. बेकिंग सोडा एक वाइट क्रिस्टल होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है. नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन नेचर मीन्स यह क्षारी होता है. नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा. एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा. ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज आ बेकिंग सोडा इट अंडरगो हीट. ओके एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट रिलीज CO2 गैस एंड वाटर. ओवरऑल यू कैन से दैट व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा अंडरगो हीट दे फॉर्म सोडियम कार्बोनेट रिलीज CO2 गैस एंड फॉर्म वाटर. ओके दिस इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एंड यू नो दैट देर आर नंबर ऑफ यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा सच एज बेकिंग सोडा इज यूज एज एंट एसिड. यू नो दैट इट इज यूज फॉर रिमूविंग आवर एसिडिटी ऑफ द स्टमक. ओके नेक्स्ट इट इज यूज इन बेकरीज टू मेक केक्स ब्रेड एक्सेट्रा. ओके एंड बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर. ओके सो स्टूडेंट्स आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट बेकिंग सोडा. ओके इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट वॉशिंग सोडा दैट इज नेक्स्ट साल्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे.